हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा आज बहुत पवित्र दिन है श्री रामचंद्र विजय उत्सव इसको दशहरा कहते हैं और हमारे श्री माधवाचार्य जी का आविर्भाव दिन है और हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ गुरु प्रभुपा जी के वरिष्ठ शिष्य वैज्ञानिक शिष्य डॉक्टर टी डी सिंह श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का तिरुभाव दिन है तो आज हम सुबह ही जप करते समय सत्यनर सिंहपू एक कोट पढ़ रहे थे शिल प्रभुपाद का बता रहे थे कि आज के दिन शिल प्रभुपाद जी का जो कोट सर्कुलेट होता है उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज सारे भक्त इस्कॉन के सारे भक्त श्री रामचंद्र विजय उत्सव का हर्षो उल्लास से उत्सव मनाना चाहिए जिसमें भगवान श्री रामचंद्र का वीर युद्ध का वर्णन हो तथा माधवाचार्य का गुणगान हो इत्यादि और एक विशेष बात प्रभुपाद उस कोर्ट में कहते हैं कि देर शुड बी ए समियस डिलीशियस फिस्ट ऑन दिस स्टे मैं राइट श्याम बोल रहा हूँ वो वो भी सुन रहे थे कहाँ गए सत्यन सिंह वो ही बता रहे थे तो, तो इस तरह से प्रभुपा जी कहते हैं तो उनके आदेश को पालन करते हुए हम आज कुछ भगवान श्री रामचंद्र की दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे सबसे पहले सुनते हैं जयदेव गोस्वामी जयदेव गोस्वामी किस तरह से भगवान राम के गुणगान करते हैं अपने दस अवतार स्तोत्र गीत गोविंद के मंगलाचरण में बित्तरसी दीक्षण दिक्पति कमनी दश मुख मौली बलिम रमणीयम केशव शबध्रिता राम शरीरा केशवधरीता रघुपति रूप जया जी हरे जय जया हरे तो जो हमारे इस ब्रह्मांड में दस दिग्पाल हैं इंद्र चंद्र वरुण आदि जो भी दीगपाल हैं ये लोग त्राही त्राही मत हो गए थे रावण के आतंक से दसान रावण के आतंक से तो आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके उसके दस सिर को काट के मानो दिग्पालों को अर्फर करते हैं अर्पण करते हैं <laughs> जैसे उनका जो दुख कष्ट हो दूर हो और त्राही मचा रहे थे जो वो शांत हो और ऐसे भगवान श्री कृष्ण केशव जिन्होंने श्री राम रूप का धारण किया है इनकी जय हो ऐसे कहते हैं और संपूर्ण रामायण को अगर कहा जाए कि संक्षेप में बताया जाए तो संपूर्ण रामायण बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भारतवर्ष में प्राय सभी जानते हैं कि एक में आ जाता है आदौ राम तप बनादिगमनम हत्वा हवा जटायु वैदेहरण सुग्रीव सुग्रीवसभाषण बाली समुद्र समुद्रतरण लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकन्न निधनमेतरायण एक श्लोक ही रामायण है तो संपूर्ण रामायण सात कांड जो है वो एक श्लोक में वर्णन करते हैं तो वैसे तो भगवान श्री राम का चरित्र सीमद भागवतम में बहुत ही कम है नौवें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी दो अध्याय में वर्णन करते हैं और कुछ किंग पुरुष वर्ष का वर्णन जब आता है पाँचवें स्कंद में आपने पढ़ा उसमें एक अध्याय वर्णन है थोड़ा सा लेकिन कुछ दिन पहले जय दामोदर पो यहाँ भागौतम दे रहे थे आप में से अगर कोई सुने होंगे तो एक बात उन्होंने बताया कि रामायण अपार है आज जो हमारे पास रामायण उपलब्ध है वो 24000 हजार श्लोक है लेकिन वो उस दिन कुछ उल्लेख करके बता रहे थे कि 100 करोड़ श्लोक वाला रामायण है जिसको गोस्वामी जी भी कहते हैं मानस में रामायण सतकोटी अपारा इतना बृहत रामायण है इसका कारण यह है भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं विख्यात है जन जन में प्रसिद्ध है और त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र आते हैं और ये लीलाएं करते हैं तो शास्त्रों के वाक्यों उद, से उद्धृत करके हम ये जानते हैं ब्रह्मांड पुराण ब्रह्मवैवत पुराण और और इत्यादि पुराणों से अन्य पुराणों से उल्लेख आता है कि प्रत्येक त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र नहीं आते हैं। त्रेता युग में भगवान आते हैं लेकिन जो सांकेतवासी श्री राम अवध में जो रहते हैं दिव्य आध्यात्मिक जगत में आदि भगवान श्री राम वो कब आते हैं अब भी जो रिसेंट इनकारनेशन हुआ था उसका उल्लेख आता है कौशल्याम दशरथ नवदुर्बादल्युत त्रेतायाम आविर्भवत चतुर्विंशे चतुर्युगे तो अभी जो हमारा जो मन्वंतर चल रहा है सातवां मन्वंतर वैवस्वत मन्वंतर का कौन सा चतुर्युग है ये अट्ठाईसवाँ तो इस श्लोक में बताते हैं कि 24 में चतुर्युग के त्रेता में भगवान श्री राम आए थे आज से करोड़ों साल पहले तो प्रसिद्ध है कौशल्याम दशरथ और कौशल्य के पुत्र के रूप में आए थे और उनका वर्ण था नव दुर्वादला द्युति नए नए घास घास के रंग जैसा है वैसा है और त्रेता युग में आए थे तो बाकी जो चतुर्युग है त्रेता युग में वासुदेव भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में भगवान श्री राम अवतार लेते हैं लेकिन जैसे हम भागवत में पढ़ते हैं कि इतने चांद स कला पुनस कृष्णस्तु भगवान स्वयं वो केवल अट्ठाईसवें चतुर्युग में आते हैं बाकी श्रीदक्षाई विष्णु अवतार लेते हैं उसी प्रकार से जो आदि साकेत धामवासी विहा, सांकेत बिहारी प्रभु श्री राम वो चतुर्विन से चतुर्युग है तो में चतुर्युग के तेता में भगवान श्री राम प्रकट हुए थे तो इसीलिए जो रामायण सतकोटी अपारा कहते हैं इसलिए बहुत डिटेल में रामायण है और अलग अलग अनेक विभूतियों ने रामायण के ऊपर रचना की है और उनको दर्शन भी हुआ है उनको लीला दर्शन हुआ है और वो लिखे हैं और रामायण काल में भी स्वयं वाल्मीकि जी तो लिखे ही हैं स्वयं वाल्मीकि जो आदि काव्य कवि हैं रामायण के वो लिखे हैं और अन्य उत्तर भारत में गोस्वामी तुलसीदास जी और दक्षिण भारत में खम्ब रामायण और बंगाल में कृत कृतिवास रामायण ऐसे अन्य अन्य बहुत सारा है अनेक रामायण है तो कवियों ने लेखकों ने अनेक भगवान की कुछ कुछ लीलाओं को सार में एक है लेकिन डिटेल में थोड़ा सा अंतर है कहाँ कैसे कब हुआ था इसे तो अभी हम जितना भी समय बचाए उसमें अतिशीघ्र पहुंच जाते हैं युद्ध कांड में क्योंकि आज का वो विषय है लंका कांड या युद्ध कांड तो प्रसंग इस प्रकार से है कि जब युद्ध हो रहा था ऐसा वर्णन है कि महाभारत की तरह श्री राम और रावण रामायण का युद्ध है अठारह दिन तक हुआ तो अंतिम दिन में जब युद्ध हो रहा था तो प्राय सारे वीर सैनिक उनके पुत्र रावण के भाई ये सब सब सबका देहांत हो गया था वध हो गया था उद्धार हो गया था अब कह सकते हैं फाइनल मैच होने वाला था आज के दिन तो बहुत सच धज के एक सारे दिव्यास्त्रों को संग्रह करके जितने भी सारे उसने उसके रावण के पास शक्ति था वो सब एकत्रित करके जो भी थोड़े बहुत सैनिक बचे थे उस सबको ला के और एक सुंदर दिव्य रथ के ऊपर सवार होके कहीं कहीं लिखा है वो उसमें काले घोड़े जूते थे और कहीं कहीं लिखा है गधे जूते थे क्योंकि राक्षस है ना और दिव्य कवच धारण किया था अभेद्य कवच और मुकुट और बहुत ही शक्तिशाली धनुष और बिना खत्म होने वाले तर्कस भर के बाण ये सब सब बिल्कुल सजधज धज के योद्धा के बेस में रावण अंतिम दिन में युद्ध में प्रवेश करता है और फिर जब जैसे ही रावण अपने बचे हुए सैनिकों के साथ युद्ध में प्रवेश करता है तो चारों ओर कोलाहल मच जाता है राक्षस सैनिकों का अपनी उनकी उत्साह बढ़ जाता है कि हमारे राजा अभी युद्ध करने के लिए तत्पर हैं अभी सर्वनाश कर देंगे सबको तो अब यहाँ मतलब भगवान की तरफ भगवान राम और लक्ष्मण और बाकी बानर सैनिक और उनके सब प्रमुख सलाहकार विभीषण ये सब नीचे खड़े हैं तो विभीषण भगवान से कह रहा है प्रभु आज निर्णायक युद्ध है और आज रावण पूरी शक्ति के साथ युद्ध करेंगे तो इसलिए जिस दूर से दिखा रहा है जिस तरह से रावण आ रहा है युद्ध में और जिसका जो साज सजावट है उसके पास जो रथ है उसका कवच है ये सब है ये सब को देख के लगता है कि आज पूर्ण शक्ति से युद्ध करेंगे तो हम मेरा आपसे विनती है युद्ध बराबरी में होना चाहिए और वो कहाँ रथ के ऊपर सवार है और सब कुछ उसके पास अस्त्र है सारथी है घोड़े हैं लगाम है और सब कुछ है और आप जमीन पे आप जमीन पे ये तो समस्कंद नहीं हुआ कम से कम आज के दिन आपको भी रथ के ऊपर सवार होना चाहिए आपके पास भी कवच होना चाहिए आपके पास भी मुकुट होना चाहिए आपके पास कुंडल होना चाहिए आपके पास शक्ति अस्त्र होना चाहिए आपके पास कठिन धनुष होना चाहिए और तर्कस में बाण भरे हुए होने चाहिए सब सच धज के आप भी उसके सामना मुकाबला कीजिए ऐसे विभीषण कहते हैं तो इसके उत्तर में भगवान श्री राम जो कहते हैं ना ये सुनने लायक है आज का प्रमुख विषय ये है कि श्री राम विजय रथ भगवान श्री राम जो विभीषण के प्रश्न के उत्तर देते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति के पास ये रथ है बस उसको जानने की आवश्यकता है कि मेरे पास कौन सा रथ है और मैं कैसे जीवन के बाजी में जीत सकता हूँ तो जो जो विभीषण ने वर्णन किया एक रथ में होता है भगवान श्री राम उसको जवाब देते हैं उत्तर देते हैं रथ में क्या क्या होते हैं पहिए होते हैं दो पहिए होते हैं झंडे झंडा और पता का ध्वज और पता का झंडे होते हैं रथी तो होती है सारथी होते हैं घोड़े जुते रहते हैं घोड़े लगे रहते हैं और उसको लगाम रहता है और योद्धा के पास अवैध कवच रहता है धनुष कठिन धनुष रहता है बाण रहते हैं बाण से भरे हुए तरकस रहते हैं और भाला तलवार और समय समय पर प्रयोग करने के लिए शक्ति अस्त्र ये सब रहता है तो भगवान श्री राम सुंदर उत्तर देते हैं कहते हैं विभीषण ये विजय रथ प्रत्येक व्यक्ति के पास है इसको जो कोई धारण करता है और जीवन संग्राम में युद्ध करता है युद्ध के लिए उद्योत होता है बोले तो रावण किया है ऐसे तो कुछ भी नहीं है वो संसार के सबसे बड़ा शत्रु काम या मृत्यु को भी जय करता है कर सकता है विभीषण तो आश्चर्य हो गए ये कौन से रथ की बात कह रहे हैं आप? आप तो जमीन पे हैं, आपके पास कोई रथ नहीं है तो भगवान श्री राम शुरू करते हैं देखो रथ में दो पहिए होते हैं पहिए समझते हैं ना व्हील्स तो कहते हैं शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए हैं जिसको कहते हैं वेलर और पेशेंस आप बड़े ध्यान से सुनते जाइए और गिनते जाइए भगवान श्री राम के उत्तर ये रथ प्रत्येक व्यक्ति के पास है और इसको इस रथ पे सवार हो के रथी योद्धा जीवन के संग्राम में जीत सकता है शौर्य और धैर्य ये दो पहिए हैं टू व्हील्स प्रत्येक व्यक्ति के पास ये होना चाहिए एक, एक एक को अगर व्याख्या करते जाएं तो सात दिन हो जाएगा सप्ताह हो जाएगा लेकिन केवल उल्लेख कर रहे हैं इसीलिए सुनते जाएंगे और व्याख्या कभी बाद में करेंगे और सब उद्धृत करेंगे श्लोक गीता भागवत और अन्य शास्त्रों से शौर्य क्या है धैर्य क्या है ये सब जब जैसे जैसे वर्णन होता है आपके मन में भी चलता होगा धैर्य कहाँ कहाँ भगवान वर्णन किए हैं गीता में या भागवतम में तो क्योंकि वो सब व्याख्या करेंगे तो समय नहीं है तो शौर्य और धैर्य प्रत्येक व्यक्ति के पास होना चाहिए जो कि इस राम विजय रथ के दो क्या है पहिए हैं दो चक्र हैं अच्छा रथ में होता है ध्वज और पता का रथ के ऊपर देखा होगा आपने ध्वज और पता का होता है तो भगवान श्री राम कहते हैं वो है सत्य और सील ट्रूथफुलनेस और सील सील को क्या कहेंगे सदाचार जो सदाचार होता है ना ये दो पताका है ध्वज पताका सत्य और सील। प्रत्येक व्यक्ति के पास ये है बस इसको याद दिलाना है जागृत करना है ट्रूथफुलनेस ये तो होना ही चाहिए और भगवान श्री राम इसमें तो परम उदाहरण है और शील सदाचार इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जब पंचम स्कंद में मतलब हनुमान जी जब प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु को किंग पुरुष वर्ष में उसमें एक शब्द आता है शीलवान भगवान श्री राम को गुणगान करते हैं शीलवान बड़े नम्र हैं आज तक जितने भी शीलवानों के चरित्र शास्त्रों में वर्णन है भगवान श्री राम अग्रगण्य है एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जब अयोध्या वापस आए भगवान श्री राम रावण का वध करके तो भरत पादुका का लेके प्रतीक्षा कर रहे थे सारे पूरा अयोध्या वासी प्रतीक्षा कर रहे थे और आप जानते ही हैं भगवान श्री राम को कब अगवानी किए अयोध्या वासी दीपावली को तो प्रतीक्षा कर रहे थे तो भगवान श्री राम आके मिले इधर बानर सेना थे मतलब प्रमुख सुग्रीवादी अब सब जानते हैं कि रावण को किसने वध किया है और पूरा लंका का विजय किसने किया है सबसे पहले उनके सब सगे संबंधी माताएं हैं भाई हैं लेकिन भगवान श्री राम सबसे पहले जाते हैं गुरु वशिष्ठ की नमन करते हैं प्रणाम करते हैं और उत्तर क्या देते हैं गुरु वशिष्ठ को कहते हैं हे गुरुदेव ये हमारे परम मित्र हैं बानर सुग्रीव जिनकी सहायता से मैंने त्रिलोक विजय रावण को युद्ध में परास्त किया वध किया और लंका पे जय किया इन सब की सहायता से आप वाक्य को शब्दों को ध्यान दे रहे हैं ना? इनकी सहायता से मैंने इस सम्रांगण में विजय प्राप्त किया सुग्रीव तो पानी पानी हो गया अभी हमने क्या सारे दैत्यों को तो आपने ही मारा है आपने वध किया आप नहीं होते तो ये बानर भालू को तो ऐसे ही वो ब्रेकफास्ट लंच कर देते सारे राक्षस अच्छा ये इसका परिचय हुआ जब सुग्रीव जी को अपने संबंधियों का परिचय है देते हैं कहते हैं हे बानर सुग्रीव ये है हमारे परम आराध्य श्री गुरुदेव वशिष्ठ जिनकी कृपा से मैंने चौदह वर्ष बनवास अनायास बिना कोई संकट क्लेश कष्ट पूरा करके अभी लौट कोई कष्ट नहीं हुआ कोई क्लेश नहीं हुआ बताओ अरे क्या क्या कष्ट नहीं हुआ क्या क्या क्लेश नहीं हुआ ये तो कोई साधारण व्यक्ति होता तो बेहोश होके या दम तोड़ देता लेकिन कहते हैं गुरु महाराज की कृपा से मैंने सारे कलष्ट और क्लेश इसको कहते हैं सील महाप्रभु अपनी शिक्षा में कहते हैं अमानिन मान देना तो भगवान श्री राम अपने लीला में भी दिखाते हैं और विभीषण को उत्तर देते हैं जिस व्यक्ति के पास सत्य और शील है ध्वज और पता का ये विजय रथ का दो प्रमुख अंग है आगे कहते हैं हर एक रथ में चार घोड़े होते हैं होते हैं ना घोड़े जोते रहते हैं तो कहते हैं कि इसमें जो घोड़े हैं जो जिस रथ की बात मैं कह रहा हूं उसमें जो घोड़े हैं चार घोड़े हैं वो कहते हैं वल विवेक दम और परोपकार वल स्ट्रेंथ जिसके पास जो स्ट्रेंथ है एक तो स्ट्रेंथ है फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटल स्ट्रेंथ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो भी कहिए विवेक अच्छे और बुरे की परख कब कहाँ क्या, क्या करना चाहिए उसको विवेक है वो हतोच्छा नहीं हो जाता है विवेक से काम करता है बल, विवेक और दम इंद्रियों का संयम इंद्रिय भोगे वस्तु सामने आते ही अपने इंद्रियों को भगवान उदाहरण देते हैं ना कछुआ की तरह समेट लेता है तो इंद्रिय संयम दम और हमेशा ये उद्यत रहना कि परोपकार मैं दूसरों के प्रति कैसे उपकार करूं किसी भी तरह से काय मन वाक्य से मेरा एक उद्देश्य हो कि दूसरे को मैं उपकार करूं किसी का अनिष्ट ना करूं भी घोड़े हैं घोड़े तो को लगाम लगते हैं जो रेंज कहते हैं ना रज्जू बंधे हुए होते हैं वो कहते हैं क्षमा दया और समता क्षमा फर्गीवनेस और करुणा दया और समता समता तो आप जानते हैं इक्वानिमिटी अपने और पराय का भेदभाव नहीं है ये हमारा है ये हमारे प्रांत के या हमारा रिलेटिव हमारा संबंध हमारा गुरु भाई है या एक्स वाई जेड जो भी है और बाकी सब ओ, इतने लेकिन इतने, इतने नहीं है। इस तरह का भावना नहीं है समता सबके साथ एक जैसा इक्वानिमिटी जैसे कहते हैं रज्जू आगे कहते हैं किसी भी रथ को चलाने के लिए चतुर सारथी की आवश्यकता है सारथी बहुत इंपॉर्टेंट है आपने सुना होगा महाभारत में जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था <laughs> वो एपिसोड बहुत फेमस है कर्ण का सारथी कौन था शल्य और संपूर्ण विपरीत अर्जुन कर्ण के मनोभाव के संपूर्ण विपरीत शल्य तो ऐसा अगर सारथी मिल जाए तो योद्धा का निताई गोरपेमान हो जाएगा लेकिन चतुर सारथी बहुत आवश्यक है सारथी इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि अपनी योद्धा को बचा ले अपनी योद्धा को सब संकट से सारे विपदाओं से बचा ले ऐसा चतुर सारथी तो भगवान श्री राम कहते हैं श्री राम विजय रथ का चतुर सारथी जो है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे ईश्वर भजन जिसका भजन जितना तगड़ा है जिसका भजन जितना स्ट्रॉन्ग है जितना तल्लीन होकर लगन से भजन करता है भगवान को पुकारता है वो है चतुर सारथी वो सारथी उसको जीवन में पक, -पक पर रक्षा करेगा सारथी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ईश्वर भजन ही चतुर सारथी आगे भगवान कहते हैं कि योद्धा के बाणों से बचने के लिए या तलवार से या भाग से बचने के लिए प्रत्येक योद्धा के पास एक ढाल होता है ढाल तो को सामने से रखता है वह है वैराग्य प्रीनौंसिएशन जिस व्यक्ति के पास वैराग्य है वो है ढाल माया के अस्त्रों से बचने के लिए संसार के प्रति विरक्ति उदासीन भाव यह है ढाल भगवान श्री राम कहते हैं ढाल तो हो गया अभी उसके पास तेज धार वाला तलवार होना चाहिए युद्ध करने के लिए भगवान कहते हैं संतोष संतोषी सदा सुखी है ना संतोष त्रिसु कर्तव्य सुदारे भोजनी धनी त्रिसु नैव कर्तव्य स्वाध्याय जपो दानी नीतिशास्त्र तीन चीज में हमेशा संतोष रहना चाहिए और तीन चीज में कभी संतोष नहीं होना चाहिए अपने पति या पत्नी में सुधारे और भोज नहीं आज हमारे भाग्य में नौ बजे प्लेट में जो मिलेगा या चार बजे उसमें संतोष रहना हाय हाय नहीं होना भोज नहीं धनी जिसने जितना इनकम किया है जिसका जो ईमानदारी से वो धन को उपार्जन किया उसमें संतोष रहना है और तीन चीज में कभी संतोष नहीं होना चाहिए कितना भी करो कम है स्वाध्याय अब ये नहीं सोचना चाहिए अब तो मैं भक्ति वेदांत कर लिया अब क्या पढ़ना है हो गया बस <laughs> भक्ति शास्त्री हो गया प्रभु जी शास्त्री, वो कब का हो गया भक्ति वैभव वो तो पिछले साल हो गया भक्ति वेदांत वो हो जाएगा अभी इसमें क्या है उसके बाद उसके बाद बस हो गया सब सारा वेद शास्त्र में कंठस्थ है बस बटन दबाना ओ, निकलना है सब स्वाध्याय कभी स्वाध्याय कितना भी करो कम ही है कम है आप देख रहे हैं ना बड़े बड़े हमारे सन्यासी गुरु महाराज घंटों घंटों अध्ययन करते हैं हमारे प्रभु जी बहुत अध्ययन करते हैं क्यों ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है किसी को भी ऐसा नहीं शास्त्र पता नहीं है लेकिन अभ्यास रहना चाहिए स्वाध्याय का प्रत्येक दिन आधा एक घंटा स्वाध्याय करें शास्त्र के टच में रहे जप जप कितना भी करो कम है है ना पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं हमारे इस्कॉन के भक्त लोग ऐसा जप करते हैं ऐसा जप करते हैं कि बीडबैक को कहाँ पार्किंग किए दूसरे दिन ढूंढना पड़ता है कहाँ गया वो कहाँ रखा ऐसे ढूंढ बोले इतना वो, वो क्या कहेंगे उदासीन हो जाते हैं कि मिलता ही नहीं इसलिए <laughs> <laughs> नहीं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल रहे हैं महाराज का ये सुना था इसलिए बोल रहे हैं तो जब में कभी कम नहीं होना चाहिए नहीं कि ऐसा नहीं बस बहुत हो गया जितना भी करो कम है हमारे भक्त लोग में देखता हूँ आश्रम में सुबह सुबह उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग और दिन भर जब जब भी समय मिले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम अभी कार्तिक व्रत आ रहे पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या दृढ़ संकल्प लेंगे सब क्या क्या कितने माला जप करेंगे और क्या क्या, क्या पाठ करेंगे कितने परकम्मा लगाएंगे तो जप में कभी क्यों नहीं और दान ही विशेष करके गृहस्थों के लिए दान में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए ये तीन चीज में कितना भी करो कम है इसलिए संतोष नहीं होना चाहिए भगवान कहते हैं कि फरसा एक अस्त्र है फरसा समझते हैं परशुराम जी का अस्त्र जानते हैं ना उसी को फरसा कहेंगे परशु तो उसको भगवान कहते हैं कि प्रचंड बुद्धि दान फरसा को दान कहते हैं मतलब जिसके पास देने की कला है हमेशा किसी को भी कभी भी जरूरत है कुछ भी वो देने की एक ब्रह्मचारी सन्यासी क्या दे सकता है ज्ञान दे सकता है दूसरे को दूसरे को अच्छे रास्ते पर ले सकता है और उसको विद्या दान कर सकता है और बाकी आश्रम में लोग हैं प्राणी धिया वाचा किसी प्रकार के दान जो दान करते हैं वो करोड़ों गुना में वो वापस आता है हमारे पास भले हमें दिखता नहीं है वो वो एटीएम क्रेडिट लेकिन वो आता है तो ये फरसा भगवान राम कहते हैं जैसे किसी किसी योद्धा के पास गुप्त रह, आ, अस्त्र होता है जिसको कहते हैं प्रचंड शक्ति याद आ रहा है शक्ति किसके रह, रावण रावण भी एक बार शक्ति प्रव लक्ष्मण के ऊपर शक्ति एकदम भेद किया गया था तो वो शक्ति प्रचंड शक्ति जो है भगवान कहते हैं कि वो है प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है राइट इंटेलिजेंस बुद्धि कुछ ही दिन पहले हम अपने भागवत भक्तिवेन्द्र क्लास में सुन रहे थे ना कि बुद्धि एक होता है पोल्यूटेड इंटेलिजेंस आपने चौथे स्कंद में पढ़ा होगा पुरंजन उपाख्यान में क्या है वो पुरंजनी लेकिन यहाँ जो कहते हैं बुद्धि राइट इंटेलिजेंस प्योर इंटेलिजेंस जो गुण में बुद्धि वो है प्रचंड शक्ति और योद्धा के पास बड़ा कठिन धनुष होता है वो धनुष को कोई भंग नहीं कर पाएगा बहुत और भगवान श्री राम के पास तो सारंग धनुष है अर्जुन के पास कौन सा धनुष था तिरुमलापुर गांडीव धनुष तो ऐसा कठोर धनुष योद्धा के पास होना चाहिए तो वो है हर एक योद्धा के पास जो है स्किल श्रेष्ठ विज्ञान में से प्रत्येक व्यक्ति जो यहां उपस्थित है संसार में जो भी है इवन हमारे इस सिनेरियो में भी प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ एक श्रेष्ठ कला है स्किल है विज्ञान है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता राइट सही में उसको बढ़ावा देना है उसको हाँ, उसको हमें हमेशा फैनिंग करना है कि वो वो कैसे हमारा अच्छा हो सके नहीं तो फिर हम हतोत्साह हो जाते हैं कि अरे मुझे नर्सिंग आरती भी गाना नहीं आता है करताल बजाना नहीं आता है ऐसा सोचते हैं हम लोग उदाहरण के लिए नहीं प्रत्येक व्यक्ति के पास एक श्रेष्ठ कौशल है विज्ञान है वो है कठिन धनुष वो जानना चाहिए और उसको हमें प्रयोग करना चाहिए और ऐसे तर्कस है जिसमें वाण कभी खत्म ना हो श्री राम के पास ऐसे तर्कस था भगवान श्री राम के पास वो तरकस क्या है श्री राम विजय रथ में योद्धा के पास निर्मल चित्त निर्मल चित्त प्योर कॉन्शियसनेस निर्मल चित्त और निर्मल चित्त होता कैसा है चेतो दर्पणम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे वो तर्कस के समान है निर्मल चित्त जो है जिस जिनका चित्त निर्मल है और भगवान राम कहते हैं उस चित्त में मतलब उस तर्कस में बाण रहते हैं अलग अलग वायवा अस्त्र आग्नेय अस्त्र वारुणे अस्त्र ब्रह्मास्त्र इत्यादि सब तरह तरह के बाण रहते हैं वो कहते हैं वो बाण जो है सम कंट्रोलिंग द माइंड यमा एंड नियम इत्यादि डूस एंड डोंट्स हम लोगों के है ना डूस एंड डोंट्स इसी को ही यम और नियम कहते हैं और सम कंट्रोल्ड माइंड मन नियंत्रित मन वो है वाण उस तर्कस में तो ये सब भगवान श्री राम विभीषण को कहते हैं योद्धा को अंत में एक चाहिए अभेद्य कवच ये सबसे महत्वपूर्ण है अगर किसके पास कवच नहीं है तो कोई भी उसको मार सकता है है ना कोई भी उसको वध कर सकता है कवच से कई योद्धा बच जाते हैं लग, हाँ लगते नहीं, है, गहराई से ये बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान श्री राम कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास ये अवैध कवच है गुरु और ब्राह्मणों का पूजन जिसने ब्राह्मण वैष्णव और गुरु का पूजन किया है उसके पास वो कवच रहता है कि किसी भी प्रकार का माया का अस्त्र हमारे ऊपर आए तो अगर हम गुरु के चरणों में गुरु के वाक्यों में हम समान हैं गुरु के वाक्यों को हम अपना आधार मानते हैं और ब्राह्मण और वैष्णवों की अवमानना कभी नहीं करते चाहे वो जन्मजात ब्राह्मण हो या वैष्णव ब्राह्मण हो और जितने भी हमारे गुरु वर्ग इनका जो पूजन करता है वो उसके पास अवैध अवैध कवच रहता है ये आप जानते हैं बलि महाराज के प्रसंग है केवल ब्राह्मण और गुरु की पूजा करके उन्होंने बिना युद्ध के स्वर्ग जीत लिया है कि नहीं पढ़ेंगे आप लोग अपनी क्लास में अष्टम स्कंध में बिना युद्ध के शंख बजाए और सारे देवता नौ दो ग्यारह छू कोई उनके सामने भी टिक नहीं पाए तो अंत में भगवान श्री राम कहते हैं हे विभीषण जिस व्यक्ति के पास ये राम विजय रथ है ये रावण क्या दशानन रावण वो रावण जो प्रतीक है इस संसार में काम वासना विशेष करके स्त्री पुरुष का संबंध किसी प्रकार का भोग हो और विशेष करके जो स्त्री पुरुष का संबंध है क्योंकि एक तरफ एक पत्नी व्रतधर प्रख्यात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और दुनिया में ऐसा कोई भी स्त्री नहीं है चाहे गंधर्व हो किन्नर हो देव हो दानव हो राक्षस हो ऐसा अप्सरा हो कोई भी स्त्री नहीं जो रावण के पास नहीं था करोड़ों स्त्रियों को उसने हरण करके लाया था जबरदस्ती कोई अपने से स्वीकार किए थे कुछ लोग जबरदस्ती आए थी काम का प्रतीक है वासना का प्रतीक तो भगवान श्री राम कहते हैं कि ये रथ के ऊपर कोई सवार होता है तो रावण क्या उस रावण का प्रतीक रावण जिसका प्रतीक है काम उसको जय कर सकता है और जीवन के बाजी को जीत सकता है विभीषण जी नमन कर लिए प्रभु आपकी जय हो मैं तो रथ के लिए बोल रहा था तो आपने तो एक घंटे का क्लास ही दे दिया आपने फिर रथ युद्ध प्रारंभ हुआ डिटेल में तो बहुत विस्तार से वर्णन है तो रावण बहुत आक्रामक युद्ध कर रहा था अलग अलग तरह से बानरों से, बानरों को बहुत उसने बहुत मारा ऐसे ऐसे बाण चला रहा था एक बाण से सैकड़ों हजारों करोड़ों बाण होता था और ऐसे मुखी वो असुरमुखी बाण सर्पमुखी बाण भैंसमुखी बाण अलग अलग वो जो हिंस्र जंतु हैं उस 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 मुंह वाले बाण वो सबको वो मार रहा था और फिर बानर रा सुग्रीव के साथ और हनुमान के साथ अंगद इत्यादि सबके साथ युद्ध होता है फिर लक्ष्मण जी सामने आते हैं जैसे ही लक्ष्मण सामने आते लक्ष्मण उनको ललकारते हैं हे hey, दुष्ट ये तुच्छ बानरों को मार के तुम क्या जीत हासिल करोगे युद्ध करना है तो योद्धा से युद्ध कर जैसे ही लक्ष्मण को देख लिया तो रावण को अपना स्मृति याद आ गया अरे तुमने ही मेरे पुत्र को वध किया क्योंकि इससे पहले सेमीफाइनल में इंद्रजीत वध हुआ था अभी फाइनल मैच है ना तुमने ही मेरे पुत्र का वध किया था तो उसको वो क्रोध आ गया सबसे प्यारा पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत का वध लक्ष्मण ने किया था तो ऐसा सोच के लक्ष्मण को बहुत बाण मारते हैं लक्ष्मण जी सारे बाण को बहुत आसानी से काट देते हैं और जैसे जैसे जो जो बाण मारते हैं ये भी वैसे बाण मारते है, काटते हैं और थोड़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ रामायण शतकोट अपारा पारा कि वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण और खम्ब रामायण इत्यादि में लीला में थोड़ा सा अंतर है इसमें क्या लिखा है कि विभीषण जी आके लक्ष्मण को सहायता करते हैं हमेशा पास में तो इस समय रावण बहुत क्रोधित हो जाता है कहते हैं ना यहाँ कहावत है कहा हिंदी में घर का भेदी विभीषण ऐसे कुछ कहते हैं हाँ। तो बोले ये मारे शत्रु मेरा भाई होके जाके सारा भेद बताता है इतना क्रोधित हो जाता है कि एक शक्ति अस्त्र प्रयोग कर देता है बहुत पावरफुल शक्ति मैंने ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ वो शक्ति रावण के पास था वो प्रयोग कर देता है विभीषण को मारने के लिए तो जैसे ही शक्ति अस्त्र को उसने मंत्रोच्चारित करके अपने हाथ पे लेता है उसी समय पूरे बानर सेना में खलबली मच जाती है अब तो विभीषण मरा सब लोग सोचे क्योंकि इसने वो चित्कार करके चिल्ला के उस अस्त्र को विभीषण को मारने के लिए स्पेशली उसने अभिमंत्रित किया था तो इस इस समय देखो श्री राम के सेना में कैसे 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 योद्धा हैं विभीषण के सामने लक्ष्मण आ जाते हैं कि जिसको मेरे भाई ने वचन दिया था रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए कि मैं पहली बार जब विभीषण भगवान श्री राम से मिले थे श्री रामचंद्र के मुख से एक शब्द निकला था लंकेश क्या वो लंकेश था नहीं रावण था लेकिन श्री राम के वाण और वाक्य में अंतर नहीं है तो लक्ष्मण जी को वो ही बात याद आ गया कि मेरे भाई ने कहा था लंकेश इसका मतलब इसको लंका का राजा बनाना है तो ये मेरे भाई के शरणागत है इसकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है तो लक्ष्मण जी सामने आ गए इतने में देख के हनुमान जी देखे कि अरे ये सब इतना बड़ा शक्ति अस्त्र चला रहा है और ये तो अब इसका कोई प्रतिकार नहीं है कोई उसका प्रतिकार अस्त्र नहीं है तो हनुमान जी इतने उद्यत हो गए हनुमान जी सामने आ गए दोनों के सामने कि अगर ये शक्ति अस्त्र आता है तो मैं इसको लेता हूं लेकिन लक्ष्मण और विभीषण भी जी जाए लेकिन जैसे ही उसने विभीषण को मारने के लिए शक्ति अस्त्र प्रयोग किया सबको पीछे करके इतना शक्ति से सबको ऐसे धक्का मारके पीछे करके लक्ष्मण जी सामने आ गए और लगा शक्ति अस्त्र पूरा छाती को विदृण करके हृदय को फाड़ के एकदम लक्ष्मण को जमीन पे गिरा दिया और शक्ति अस्त्र जाके धस गया जमीन पे धस गया लहु लुहान हो गए लक्ष्मण का वक्षस्त्र स्त्र लहु लुहान गिर गए प्राण सुनने हो गए तुरंत हाहाकार मच गया लक्ष्मण हत वध और रावण तो सब खुशियां मना रहे हैं पार्टी उधर है लंकापुरी में और यहाँ सब दुखी और श्री रामचंद्र भगवान को जब पता चला इतना रोए बहुत श्लोकों में वाल्मीकि रामायण से कह रहा हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ा अन्य अलग प्रकार से वर्णन करते हैं कि श्री राम सामने आ जाते हैं कल्प भेद में लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण को वो शक्ति लगता है और वो गिर जाते हैं तो भगवान श्री राम बहुत व्यथित होते हैं और सब याद करते हैं मैं सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा मैं उर्मिला को क्या उत्तर दूंगा मैं जानकी को क्या उत्तर दूंगा तुम अगर नहीं रहे तो ये ये युद्ध भगवान श्री राम इतना दुखी हो जाते हैं कि अभी युद्ध बंद करो हतोत्साह हो जाते हैं सुग्रीव चलो बानर सेना लेके वापस चले जाते हैं अरे लक्ष्मण ही नहीं रहा तो मैं किसके लिए युद्ध कर रहा हूं इसको वनवास नहीं हुआ था वनवास मुझे हुआ था और मेरे लिए इसने इतना बड़ा त्याग किया तो भगवान श्री राम वहां लक्ष्मण के पास जाके उस शक्ति अस्त्र को बहुत सुंदर ऐसे प्रयास करके खींचते हैं शक्ति अस्त्र को धसा हुआ था ना जमीन पे लक्ष्मण की छाती से जाके जमीन पे धसा हुआ था वो शक्ति अस्त्र को कोई नहीं खींच पाया पहले तो भाई बाढ़ लगाया था खींचो तब तो उसके बाद दवाई करें तो भगवान श्री राम ने शक्ति अस्त्र को ऐसे खींचा तो उसमें सुसेण वैद्य था जो लंका से था सुसेण वैद्य ने विभीषण को कहा कि राम श्री राम को समझाया कि देखिए आप इतना हतोत्साह मत होइए अभी भी फाइनल मैच बचा है आप इतना हतोत्साह मत हो इसका इनका प्राण चल रहा है मैं देख रहा हूँ इनका प्राण चल रहा है अब भी इसी समय वो उत्तर भारत में हिमालय के पास जो पर्वत है वहाँ से कोई जड़ी बूटी ले आए उन्होंने नाम बताया बड़ा सुंदर नाम है मुझे ध्यान नहीं है विसल्य करनी ये करनी वो करनी वो करनी चार पांच नाम बताए तो आप सब जानते हैं इस कार्य के लिए कौन गए हनुमान जी उनको उनको वो पहचान नहीं पाए विसल्य कौन सा है और पैरासिटामोल कौन सा जैसे हम ढूंढते हैं ना कौन सा दवाई है वो पहचान नहीं पाए तो उन्होंने कहा पर्वत के शिखर को मारे घुसा चोटी पे पर्वत को एक एक घुसा मारे और उसको उठा के ही ले आए कहाँ लंका और कहाँ हिमालय जरा सोचिए पहले तो सौ योजन समंदर को पार करना है फिर चेन्नई से लेके रामेश्वरम से लेके एकदम दिल्ली हरियाणा होके सीधा हिमालय जाना है वहाँ से कितने बेग से गए होंगे हनुमान जी वो भी एक रात की बात है एक रात में ये सब हो रहा था थोड़े ही समय में फिर वो लेके आए और सुसेन वैद्य उसका जो दवाई बनाए और बिल्कुल नाक के पास रखे लक्ष्मण जी के ताकि वो उसको घृण करे उस सु, गंध सुगंध को वो इतना पावरफुल था वो औषधि वो उसको प्रस्तुत करते समय ही जो मरे हुए बानर थे वो जी गए उसके सुगंध से ऐसा कौन सा चिकित्सा है कौन सा हॉस्पिटल में है आज तक पता नहीं लेकिन वो इतना पावरफुल ऐसे उसको आयुर्वेद में मंथते हैं ना मंथन करते हैं तो उस पर सुगंध से ही सब जी गए और तुरंत लक्ष्मण जी के पास ले गए और लक्ष्मण जी फिर धीरे 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 आँख खोले जैसे ही लक्ष्मण आँख खोले चारों और हर्षोलस्थित हो गए सब लोग श्री राम की जय श्री लक्ष्मण की जय और भगवान श्री राम तो प्रतिज्ञा कर ले कि बस इसका खेल अभी फाइनल मैच पूरा करना है बहुत हो गया ये तो फिर रावण अगले दिन आता है सुबह वो पूरा तैयारी के साथ ऐसे ही आता है और इस समय ब्रह्मा जी के आदेश से देवराज इंद्र मातली को भेजते हैं रथ के साथ ये दोनों सभी रामायण में वर्णन है कहीं ऐसा वर्णन नहीं है जहाँ तक हमने पढ़ा है कि भगवान जमीन पे खड़े होकर युद्ध कर मातली रथ को लेके आते हैं बड़ा ही दिव्य रथ इंद्रदेव ने भेजा हुआ भगवान श्री राम कहते हैं आप कौन हैं नम्र से कहते हैं इंद्रदेव ने आपके लिए रथ भेजा है हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं रघुवंश ही अपने शक्ति और सामर्थ्य पर संपूर्ण विश्वास है हम क्यों किसी की सहायता लें नहीं 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 ऐसा मत सोचिए मातली कहता है देवराज इंद्र ने सेवा के लिए भेजा है अच्छा सेवा के लिए भेजा है तो विभीषण कहते हैं प्रभु जरूर स्वीकार कीजिए भगवान रामचंद्र इसकी परिक्रमा करते हैं उस रथ की परिक्रमा करके फिर उसको नमन करके उसके ऊपर चढ़ते हैं और मातली को कहते हैं मेरी मन मेरा मन जैसे सोचता है वैसे चलना ऐसा नहीं कि बोलना पड़े एक राइट चलो तो लेफ्ट चला जाएगा मैं जैसे सोच रहा हूँ मन में इसी को तुम भाप के इसको जान के इसको तो उसी दिशा में चलना तो जमीन पे नहीं स्वर्ग आकाश में भी युद्ध हो रहा था राम और रावण के बीच में बहुत घमासान युद्ध हो रहा था बहुत समय तक बहुत समय, तक, बहुत समय तक, पूरा दिन युद्ध में पिता और सब युद्ध होने के बाद जब रावण के एक एक सिर कट रहे थे 20 भुजाएं 10 सिर कट रहे थे फिर भी आ रहे थे थे सैकड़ों बार हम लोग 10 सुनते हैं लेकिन रावण जैसे जैसे सिर कटा था फिर सिर प्रकट हो रहा था ऐसे सिर कट रहे थे और भुजाएं कट रहे थे फिर भी नहीं मर रहे थे वो तो उधर क्या हुआ त्रिजटा सीता, सीता त्रिजा, त्रिजा त्रिजटा को त्रिजटा जानते हैं ना सीता के पास जो थी उनको पूछते क्या इतने आवाज़ क्यों आ रहा है इतना आज क्या हो रहा है थोड़ा बताओ त्रिजटा तो त्रिजटा सीता आज तुम्हारे पति श्री राम और रावण का निर्णय क्यों तो सीता जी प्रार्थना करने लगते हैं भगवान से कि जैसे उनके पति का विजय हो तो भगवान श्री राम अब सब लोग कहते हैं भगवान बिल्कुल निशाना लगा के उसके बक्षस्थल पर क्यों नहीं मारते हैं उसके बक्षस्थल पर मारेंगे तो उसका वध हो जाएगा लेकिन भगवान श्री राम एक कारण के वजह से नहीं मारते थे रावण के हृदय में सीता है सीता के हृदय में श्री राम है और राम में संपूर्ण ब्रह्मांड है जब तक रावण सीता को नहीं भूलेगा सीता को विस्मृत नहीं होगा तो भगवान उसके वक्ष को नहीं मार रहे थे ऐसा मानो कह रहे थे सुंदर आचार्य लोग क्या ठीके? एक सिर कटने के बाद भगवान श्री राम ऐसा मानो सोचते थे कि दूसरा सिर जो कटेगा दूसरा सिर जो प्रकट हो गया वो क्या शरण में आ जाएगा मेरे ना वो भी कट गया तीसरा सिर जो प्रकट होगा वो क्या मेरे शरण में आ जाएगा ऐसे करके सिर और भुजाएं काट रहे थे लेकिन वो अंतिम क्षण आ गया अभी हम विराम देते हैं वो अंतिम क्षण आ गया जब विभीषण जी जाके श्री राम को मंतव्य दिए बताए कि इसके नाभि में अमृत का वास है तो आपको तो सबसे पहले अस्त्र प्रयोग करके उसके नाभि को मारना है और उसके बाद ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके उसके वक्षस्थल को मारना है तो विभीषण जी ये मंत्रणा दी तो इसको सुन के भगवान श्री राम वैसे श्री राम अंतर्यामी सब पता है लेकिन मनुष्य लीला कर रहे हैं ना इसलिए ये जो सिर काट रहे थे भुजाएं काट रहे थे फिर आ रहा था सिर काट रहे थे भुजाएं काट रहे थे फिर प्रकट हो रहा था इतने सैकड़ों बार होने के बाद रावण विचलित हो गया और उस समय सीता का वो हृदय से विस्मृत हो गया और वही वो, वो क्षण था श्री राम ने आग्ने करके सबसे पहले उसके नाभि को मारे क्योंकि अमृत से वजह से वो अमर था वो शीर उसके बार बार प्रकट हो रहे थे मर नहीं रहा था त्षणा ब्रह्मास्त्र जैसे ही प्रयोग कर समुद्र में बड़े बड़े ज्वार आने लगे बहुत सुंदर है चारों ओर सब गिधड़ सब उड़ने लगे गीध गिधड़ और उल्लू जितने सब अपशगुन प्राणी होते हैं वो सब चिल्लाने लगे चिंगाड़ने लगे और मानो कि पृथ्वी ही डोल गई नीचे लिखा है कि नीचे कच्छप और अनंत शेष भी हिल गए और ऊपर दिग्गज हाथी जो पृथ्वी को बैलेंस करके रखे वो भी हिल गए भगवान श्री राम ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया और ब्रह्मास्त्र का स्मरण करके प्रयोग किया तो तुरंत वो जाके रावण के वक्षस्थल में लगा और जैसे ही वक्षस्थल में लगा तो चित्कार किया चिल्लाया उसने श्री राम कह के अंत में उसने श्री राम वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भी, उसी समय भी वो कह शत्रु का भाव था कि राम कहाँ है मतलब इस तरह से मतलब मानस में लिखा है उसने पहले तो राम राम कहता लेकिन मरते समय उसने श्री राम कह के ऐसे पुकारा जोर से चित्कार किया वो ऊपर युद्ध हो रहा था आकाश में और फिर धड़ाक से जमीन पे गिरा उसका वध हो गया और सारे देवताएं जो है पुष्प करने के लिए भगवान से श्री रामचंद्र भगवान की सारे देवताएं पुष्टि पुष्प करने अगस्त सारे ऋषि सब लोग आ गए तो इस प्रकार से आज से रामचंद्र विजय उत्सव है और राम रावण का जो प्रतीक रावण जिसका प्रतीक है वासना भोग वासना काम वासना उसका आज वध होता है पूरे भारतवर्ष में इसको रावण जला के उसको मनाते हैं जगह जगह पे हमारे वृंदावन गुरुकुल में बच्चे लोग भी वृंदावन में मनाते हैं तो ये प्रतीक को हमें ध्वंस करना है आज के इस कलयुग में श्री राम आए हैं उनके नाम में और नाम बड़ा पवित्र है और पावरफुल है शक्तिशाली है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 महामंत्र का जप करते हैं तो ये रावण रूपी काम को हम जय कर सकते हैं श्री वाल्मीकि रामायण की भागवत महापुराण की श्री रामचंद्र विजय महोत्सव की श्रील प्रभुपाद की निताई गौरपेमानंदे हरि हरि वो हरे कृष्ण